फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? आज हम बनाएंगे चिकन चीज ग्रिल सैंडविच। उसके लिए हमने लिया है एक प्याज जो हमने चॉप कर ली है, छोटी शिमला मिर्च एक हमने ली है, उसको बारीक काट लिया है, एक टमाटर है, एक गाजर है, इसको हमने कद्दूकश कर लिया है। ये चिकन हमने एक कप बॉईल करके इसके रेशे अलग कर लिए हैं। ये टोमेटो सॉस है, ये हमने एक कप चीज़ ले ली है, ये बटर है और ये हमारी हरी मिर्ची, हरा धनिया और लहसुन की चटनी है। तो फिर चलिए हमारी टेस्टी सी सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम अपनी सारी सब्जियों को एक बॉल में मिक्स कर लेंगे। ये हमने अपनी प्याज ली, शिमला मिर्च, गाजर और ये टमाटर। हमने जो अपनी हरी मिर्ची और धनिया की चटनी बनाई है उसमें हमने नमक मिलाया है, लेकिन इसमें हम सब्जियों में भी थोड़ा सा नमक मिलाकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधा चम्मच हमने नमक लिया है और सारी सब्जियों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। मैंने पहले अपना एक ब्रेड ले लिया है, उसके ऊपर हम लगाएंगे अपना मक्खन। बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा ही मक्खन लगाएंगे क्योंकि इसमें ब्रेड की तीन लेयर रहेगी। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे अपनी हरी चटनी। अब हमने जो अपनी इसके ऊपर सारी वेजिटेबल्स को मिक्स किया है वो हम रख देंगे अच्छे से। आप अगर सारी सब्जियों को मिक्स नहीं करना चाहते हैं तो उसको स्लाइस करके भी कट करके रख सकते हैं, लेकिन इस तरह करने से सारी सब्जियां अच्छे से मिक्स हो जाती हैं और पूरे सैंडविच में हर सब्जी का फ्लेवर आता है। ये हमारी एक लेयर हो गई है सब्जियों की। अब हम अपना ब्रेड का दूसरा स्लाइस लेंगे, इस पर हम लगाएंगे थोड़ा सा बटर। टोमेटो सॉस डालेंगे, चिकन। ये सैंडविच जो है बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी होता है क्योंकि इसमें सारी सब्जियां और चिकन हमने ऐड कर दिया है। अगर आप चाहें तो जो इसमें से चीज़ है उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन चीज़ का फ्लेवर जो और टेस्ट है बच्चों को बहुत पसंद आता है। ये हमने चिकन डाला, इसके ऊपर हम डालेंगे चीज, अब जो हमारा दूसरा तीसरा ब्रेड है उस पर हम लगाएंगे थोड़ा सा मक्खन। हमारी हरी चटनी, इसको अच्छे से ढाक कवर कर देंगे। अब इस लेयर को उठा के हम अपनी फर्स्ट लेयर पे रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सैंडविच तैयार हो गया है। अब हम इसे ग्रिल करेंगे। ग्रिल पैन है, इसको हम हल्के से बटर से ग्रीस कर देंगे। गैस का फ्लेम हम बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे, मीडियम लो पे रख के इसे स्लो से हम करेंगे क्योंकि हमारी सब्जियाँ जो हैं वो कच्ची हैं, वो अच्छे से ताकि टोस्ट हो जाए उसके साथ में। ये हमने रखा अपना सैंडविच और ये जब तक ग्रिल हो रहा है हम अपना दूसरा सैंडविच तैयार कर लेंगे। 2 मिनट हो गया है,
अब हम अपनी सैंडविच को टर्न करके देखते हैं कि ये कैसी है। ये देखिए बहुत अच्छे से तैयार हो गई है, लेकिन हम इस यहाँ पर अभी थोड़ा सा बटर वापस से लगा देंगे। वापस से हम इसे 2 मिनट के लिए टोस्ट होने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सैंडविच दोनों तरफ से रेडी हो गई है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। जब तक हमारी सैंडविच टोस्ट हो रही थी, हमने 2 सैंडविच और तैयार कर ली है। अब हम उसको टोस्ट होने के लिए रख देंगे। पैन में जगह है, इसलिए मैं एक साथ 2 सैंडविच को टोस्ट होने के लिए रख रही हूँ। 2 मिनट के बाद देखते हैं हमारी सैंडविच कैसी हुई है। 1 मिनट हो गया है फ्रेंड्स, तो हम अपनी सैंडविच को हम पलट के देखते हैं। ये देखिए ये तैयार हो गया है। हम 2 मिनट के बाद इसे निकाल लेंगे। 2 मिनट हो गए फ्रेंड्स, अब हम चेक कर लेते हैं हमारी सैंडविच दूसरी साइड से भी हो गई है या नहीं। बिल्कुल तैयार हो गई है। गैस का फ्लेम हम बुझा देंगे और अपनी सैंडविच को निकाल देंगे। थोड़ी सी ही सब्जी और चिकन से हमारी 3 चिकन चीज़ क्लब सैंडविच तैयार हो गई है। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ ये अंदर से कैसी लग रही है। कट करके बताती हूँ कि हमारी सैंडविच अंदर से कितनी टेम्प्टिंग बनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, चिकन और वेजिटेबल्स और चीज़ कितनी प्यारी दिख रही है ना हमारी सैंडविच। तो चलिए हम अपनी सारी सैंडविच को इस तरह से कट कर लेंगे। ये तैयार हो गई है हमारी मज़ेदार चिकन चीज़ सैंडविच। अब हम इसे थोड़ा सा चीज़ से गार्निश कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी सैंडविच रेडी हो गई है। तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ।